जम्मू कश्मीर के बिटनी सुजवा में सुरक्षा बलों आतंकवादियों के बीच में एनकाउंटर, दोनों तरफ से गोलीबारी जारी, सेना के जवान शहीद हुए, जैश के विदेशी आतंकी के छिपे होने की खबर। जुमे पर आज जहांगीरपुरी में जारी रहेगी सियासी दलों की सैर, हालात का जायजा लेने जा सकता है टीएमसी और समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, शफीकुर रहमान बद भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल। दिल्ली में अवैध निर्माणों पर चल रह सकता है बुलडोजर फिर से, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने दक्षिण दिल्ली, पूर्वी दिल्ली के महापौर को लिखी चिट्ठी, अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर चलाने की उठाई है मांग। कांग्रेस नेता बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने दी है धमकी, कहा मुसलमान सड़क पर उतरा तो कोई नहीं कर पाएगा कंट्रोल, केशव प्रसाद मौर्य बोले कहा जेल में जगह खाली है। संभल की जामा मस्जिद से जल चढ़ाने की धमकियों को लेकर समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान पर का विवादित बयान, कहा मस्जिद में जल चढ़ाने की कोशिश की गई तो बहेगा खून। गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व पर लाल किले से पीएम मोदी ने किया मजहबी कट्टरता पर प्रहार, कहा देश में आई थी मजहबी कट्टरता की आंधी, औरंगजेब ने कई सिरों को अलग कर दिया लेकिन हमारी आस्था को अलग न कर पाए। रूस यूक्रेन वॉर के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सेना को संदेश, का भविष्य में हर संभव सुरक्षा चुनौती के लिए तैयार रहे सेना। रूस यूक्रेन युद्ध का 58वां दिन, रूस ने मारियोपोल को जीतने का किया दावा, यूक्रेन ने दुनिया भर के देशों से और हथियार देने की अपील की है। लाहौर रैली में इमरान खान ने भारत की विदेश नीति को फिर से सराहा है, कहा भारत को नहीं धमका सकते दूसरे देश, अमेरिका के कहने के बाद भी रूस से तेल खरीद रहा भारत, शहबाज शरीफ सरकार को बताया नाकाम। भारत दौरे के दूसरे दिन आज पहुंचेंगे दिल्ली, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, पीएम मोदी से मुलाकात होगी। जहांगीरपुरी हिंसा पर जॉनसन की चुप्पी पर एमनेस्टी इंडिया ने उठाए हैं सवाल।